खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां 17 अप्रैल सोमवार के दिन 12 बजे से अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में आमरण अनशन किया जाएगा, जिसकी जानकारी रीवा के कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता कर कुंज बिहारी तिवारी ने दी है। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नई गढ़ी से देव तालाब रोड निर्माण में जिन गरीबों की दुकानें व घर गिराए जा रहे हैं, उनकी उचित स्थान पर दुकानें लगाई जाएं और मुआवजा दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों का नाम सर्वे करके जोड़ा जाए और उनके खाते में राशि डाली जाए, ताकि वर्षा से पहले गरीबों के मकान बन सके। नई गढ़ी अस्पताल में शव वाहन की व्यवस्था की जाए। नई गढ़ी तहसील में पटवारियों की संख्या बहुत कम होने से किसानों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, पटवारियों की पदस्थापना की जाए। और क्या है मांगे, आइए देखते हैं प्रेस वार्ता में। ये जांच का विषय है। इन बातों को लिए लेके हम लोग 17 तारीख से आमरण अनशन कर रहे हैं और आप सबका साथ और सहयोग चाहिए। इस समय चुनाव का भी टाइम नहीं है कि चुनावी राजनीति के लिए कर रहे हैं। मुद्रिका आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, किसानों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, RBC का ढकोसला पीटते हो वो सहायता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बरसात में इस समय जो फसलें नुकसान हो गई किसानों को सहायता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आखिर ये बातें करना, किसी के हित की बात करना क्या अपराध है? अगर अपराध नहीं है तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब इन बातों के लिए आप सब हमारा साथ और सहयोग। नई गढ़ी क्षेत्र में आप सब ने देखा था कि विकास ढूंढो यात्रा में हमने सबको सौंपा था वीडियो, सारे मीडिया के साथियों ने दिखाया था, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। कई बिल्डिंगें हैं 22 लाख 24 लाख की, किसी का टॉप बीम तक हुआ है, किसी का नीचे की बीम डाल दी गई है, पैसे निकाल लिए गए, 65 करोड़ का हलफनामा दिया गया, सबूत दिया गया पंचायत बार। तो हमारी मांग है कि ऐसे जो अधूरे भवन हैं, स्कूल है, सामुदायिक भवन है, CFT भवन है और पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी भवन है, इनको प्राथमिकता के तौर पे पूरे किए जाए। नए की घोषणा छोड़िए, जो हमारे अधूरे पड़े हैं उनको पूरा किया जाए। 3 सर्किलें हैं, रामपुर, खर्रा और नई गढ़ी, वहाँ पे आप सब ने देखा होगा कि लोक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं हर तहसील पे, और एक टाइम लिमिट बनी है कि आप आवेदन देंगे, आवेदन के इतने दिनों के अंदर आपका नक्शा तरमीम, नामांतरण, खसरा सुधार या जो भी आपकी प्रक्रिया है उसका टाइम लिमिट है, बकायदे उसके शुल्क लिए जाते हैं। लेकिन और इसके लिए आप देखेंगे बड़े बड़े अरबों रुपए प्रचार में खर्च किए गए और नेता अपनी राजनीति चमकाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि अगर माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट से पारित है और ये नियम लागू है, तो फिर क्यों दो दो महीने नहीं साल साल भर से लंबित हैं। RBC प्रकरण आप सब देखते होंगे कि सरकार घोषणा करती है कि प्राकृतिक आपदा आए, घर जल जाए, बरसात में गिर जाए, तो हम एक फंड बनाए हैं कि तत्काल लोग उसको सहायता देंगे, पीड़ित को बेसिक तत्कालिक सहायता रहेगी, जिससे तो अगर घर गिर गया है पूरा तो दो कमरे का और टीन टप्पर छा के रहने लगे। लेकिन एक एक साल से RBC प्रकरण, जिनके घर बरसात में गिरे हैं, बरसात आने वाली, आज तक उनको RBC के नहीं मिले। ये भी हमारी मांग है कि इसमें कौन दोषी है और जो दोषी है तो क्या कार्यवाही करेंगे। बाद में पूर्व में आप सबके माध्यम से हमने कहा था कि जितनी बातें हम लोग उठाते हैं, अगर एक भी बात गलत है तो झूठी बात को प्रचारित करने का जो आरोप और जो केस लगता हो मेरे पे लगा दो, अगर हम या अगस्त क्रांति का कोई साथी झूठ बोलता है उसे। अगर 5 पीड़ित लोग जाते हैं तो उनके बैठक की व्यवस्था, आज़ादी के स्वर्ण जयंती हम मना लिए, 75 वर्ष मना लिए, अमृत महोत्सव मना लिए, उन कार्यालयों में जिनके लिए लिखा रहता है कि जनता के लिए सेवा केंद्र है, जो लोग बैठते हैं बोलते हैं जनता की सेवा के लिए नौकर बैठे हैं, लेकिन नई गढ़ी जनपद और पूरे ज़िले की भी जो जनपद कार्यालय हैं, आने वाले हितग्राहियों के लिए, सम्मान्य सरपंचों के लिए और जनपद सदस्यों के लिए बैठक व्यवस्था नहीं है, तो तत्काल जो कि प्रस्ताव पारित किया गया था ये व्यवस्था भी लागू की जाए। CM हेल्पलाइन, आप सब देखते हैं कि बाहर लिखा रहता है कि 100 लगाओ, पुलिस बुलाओ, 181 लगाओ, समस्या कई आप लोगों ने चलाया भी है कि नई गढ़ी क्षेत्र में इस समय अगर कोई समस्या के लिए आप 181 लगा दीजिए तो आपके खिलाफ FIR होनी शुरू हो गई है, और नई गढ़ी तहसीलदार महोदय ने लिखित में थाना प्रभारी को दिया है। एक घटना आप सब ने दिखाया है कि हकरिया के एक पीड़ित ने 181 लगाया कि मेरे घर के पास गांजा की बिक्री होती है,
और इससे लोग बैठते हैं, आने जाने वाली बहू बेटियों को दिक्कत होती है, उनको कई बार कहा गया कि 181 बंद कर दो, नहीं किया गया। तो देवेंद्र शुक्ला की भाभी और भाई को नईगढ़ी थाना प्रभारी श्री जगदीश ठाकुर और उनके मातहत रात को ले आए और थाने में बैठा के 181 काटी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई कठोर अपराध नहीं है तो किसी महिला को दिन डूबने के बाद नहीं लाएंगे। उस महिला को भी 11 बजे रात तक रखा गया। बाद में जो शिकायतकर्ता थे उनके मोबाइल को थाने में ही लेके 181 काटी गई और उनके ऊपर गांजा का प्रकरण बनाया गया। इस तरह की या तो 181 बंद कर दी जाए जिससे कोई 181 न लगाए, नहीं 181 लगाने के वालों के को प्रताड़ित किया जा रहा है और उन पर FIR की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास, आप सबने विकास यात्रा में दिखाया था कि जिन लोगों के पास, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि सरकार की योजनाएं बिक रही हैं, आवास भी बिके जिनके पास पैसा देने के नहीं थे, तो गिदौआ पिटौरा पंचायत के हैं, उनको लिख दिया कि मृतक हैं, उनका मंजूर हुआ आवास सर्वे में लेकिन पैसा GRS ने मांगा 5,000-10,000 नहीं दिए तो लिख दिया गया मृतक। उमरिया बेवहरियान पंचायत में 276 लोगों के नाम आवास सूची में होने के बाद काट दिए गए और लिख दिया कि पक्के घर हैं, जबकि वो पन्नी छा के रह रहे हैं। जांच की जाए, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर उनके पक्के घर हैं और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर FIR की जाए। और अगर कोई बोलता है FIR क्यों, तो आप लोग बोलिए कि इन्होंने कहा था कि जिनके पक्के घर दिए गए हैं अगर वो पक्के घर मिल जाते हैं तो FIR की जाए। अब पर अगर वो पक्के घर नहीं हैं, काली पन्नी छा के वो लोग रहे हैं, तो जो जिम्मेवार है उन पर FIR क्यों नहीं हो रही है। नईगढ़ी हो या कोई भी क्षेत्र के बिल मीटर नहीं लगे हैं, पूरी जनता बोलती है मीटर लगाओ, जो उपयोग हम करें उपयोग के अनुसार आप बिल लो, कहीं मीटर नहीं है। 3200-3600 बिल लिए गए, विद्युत उपभोक्ताओं की हो ही गई। नईगढ़ी क्षेत्र अंतर्गत शासन द्वारा जो नल जल योजना 3 लेयर की, जैसे कि निरंतर आप सबसे 1 साल से हम लोग रो रहे हैं, मुख्यमंत्री नल जल योजना और फिर एक ढिढोरा पीटा गया जल जीवन मिशन का, और आप सब ने मीडिया के साथियों ने और जागरूक लोगों ने देखा कि जिसको ठेका मिलता है तो लगभग 5 लाख का होर्डिंग और रीवा में सिरमौर चौराहा से लेके नए बस स्टैंड तक और अपने राजनीतिक आकाओं के चेहरे पे फेयर लवली लगाने में शुरू में वो 5 लाख-10 लाख खर्च कर दिया, लेकिन कहीं भी कई करोड़ खर्च करने के बाद आज तक पानी नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हैंडपंप का भी उत्खनन हुआ, इसी बीच में टैंकर से भी पानी दिए गए, लेकिन जनता आज भी प्यासी है। पानी के बगैर जीवन अधूरा है, कबीर ने दोहा भी लिखा था रहीमदास जी ने कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जहाँ पे 5 फीट में पानी हमारे क्षेत्र में रहता था, आज 500 फीट में नहीं है। आखिर इसका दोषी कौन है? हैंड पंपों के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ, यहाँ पे इससे पूर्व पंचायतों में भी गए 14 वित्त तक, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय और पंचायतों में भी पूर्व में अधिकार थे हैंडपंप उत्खनन के। आपकी निर्वाचित जनपद की बाड़ी ने बकायदे एक समरी बनाया, उसमें प्रोफार्मा लगाया कि इस प्रोफार्मे में भर के हमें हैंडपंपों की जानकारी चाहिए। ग्राम बार के सांसद निधि, विधायक निधि और अन्य मद से ग्राम बार 5 साल-7 साल में कितने हैंडपंप उत्खनन हुए, एक की भी आज तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, क्योंकि हैंडपंप भी केवल कागजों में हुए। तो पता है कि इस संघीय ढांचे में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकसभा राज्यसभा है विधानसभा है, उसी तरह का अधिकार आपकी जिला पंचायत और जनपद पंचायतों को भी पंचायत राज में दिए गए। जिस तरह से लोकसभा का अधिवेशन चलता है, विधानसभा की विधानसभा चलती है, लोकसभा चलती है, उसी तरह की हमारी जो जनपद है वहाँ की भी सत्र चलते हैं, सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन। आपको जान के खुशी भी होगी और हैरानी भी कि पंचायत राज अधिनियम में है कि हर महीने सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन होनी चाहिए क्षेत्र के जो सम्मानित चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और क्षेत्र की जो बेसिक चीज़ें उनके प्रस्ताव पारित हों,
क्या चल रहा है उस पे हो। नई गढ़ी पूरे प्रदेश और देश में ऐसी जनपद होगी जो हर महीने सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन की बैठक वहाँ की महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक जागरूक महिला होने के नाते बुलाई गई, और पिछले 9 महीनों में जितनी भी उन्होंने सामान्य प्रशासन और सामान्य सभा की बैठकें की, एक का भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग आते हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, एक कोरी बात है। जब वो बेचारी एक महिला घर से निकल के और राजनीति में आती है, सभी के आशीर्वाद से वो चुनाव जीतती है, तो उसे किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, आप सबको दिखाया जाएगा कि एक जागरूक और जिम्मेवार जनप्रतिनिधि किस तरह से अपनी जनता के लिए बात करे। नई गढ़ी क्षेत्र की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसके लिए प्रस्ताव न किए गए हों, और 59 पत्र नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ने लिखा है, और आप सबने अभी दिखाया भी कि पूरे जनपद सदस्यों को लेकर आई थी वो नीस, माननीय कलेक्टर साहब और सीओ साहब से मिली थी, और उन्होंने कहा कि हमारा अपराध क्या है, तो आपकी है महंगाई के रूप में जो हम दे रहे हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है। तो जो भ्रष्टाचार किए हैं उन पे आखिर कार्यवाही क्यों नहीं होती। आप सबने अभी दिखाया था नई गढ़ी ही क्या, जितनी भी आपकी अस्पतालें हैं ग्रामीण अंचल में, कहीं भी 100 वाहन नहीं हैं, और जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो 1 किलोमीटर के 4,000-5,000 देते हैं, या कंधे पे ले जाते हैं, या मोटरसाइकिल पे ले जाते हैं, या चारपाई पे ले जाते हैं। क्या सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हर जो अस्पताल हैं ब्लॉक स्तर पे 100 वाहन उपलब्ध कराए जाएं। आप सब से मेरा निवेदन है कि ये समस्याएं हर जगह की हैं। कुछ लोग चुनाव जीतने के बाद मूक हो जाते हैं, कुछ लोग FIR एक दो हो जाए, आप सबने देखा है कि मेरे ऊपर किस तरह से फर्जी FIR की गई, अगस्त क्रांति के साथियों के ऊपर की गई। हम लोगों ने कहा कि जांच करा ली जाए, जो शिकायत करता है उसके भी टावर लोकेशन, उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड, हमारी और हमारे साथियों की। अब केवल आशा आप सब से है, और आप सब भी अगर साथ नहीं दिए तो वो दिन दूर नहीं है कि कोई भी अब सच के लिए नहीं बोलेगा। आप सब सोचिए कि जो गांधी जी सत्याग्रह और इस तरह का आमरण अनशन किया करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, आज़ादी के 75 वर्षों बाद नई गढ़ी में क्या ऐसी आफत टूट पड़ी है कि इस भीषण गर्मी में 100 से ज़्यादा लोग आमरण अनशन करने जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। आप सब 17 तारीख के बाद अगर सहयोग करेंगे, नहीं तो कोई बात बड़ी बात नहीं है कि उसी अनशन में हमारे और हमारे साथियों की हत्या कर दी जाए। इसलिए कि नई गढ़ी में जिस तरह से कई वर्षों से अराजकता रही, वहाँ आज भी जनता, आप मीडिया के साथी भी चले जाएं तो अभी भी खुलकर कई बातें करने से डरती है। तो आप सबसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, ये जो मांग पत्र हैं इसमें हैं, आप पूछिए कि जो अधिकार और हक है जनता की, उसके लिए अमर अनशन करना पड़ रहा है। बिजली के नाम पे जितनी लूट हुई है आप सब निकाल लीजिए, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। पानी के लिए जितनी राशि पानी की तरह बहाई गई उपलब्ध करा देंगे। ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि पानी की तरह बहाई गई पे कार्यवाही नहीं की, तो वो सब भी आमरण अनशन में बैठ रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उन्होंने बताया आखिर वो महिला सशक्तिकरण नई गढ़ी में क्यों नहीं दिखाई देता। नई गढ़ी में एक घटना होती है जनवरी के महीने में, आप सबने दिखाया, उसको भी प्राथमिकता से दिखाया, और आपने देखा कि आदिवासी प्रेम इस सरकार को कितना है कि माननीय देश के गृह मंत्री महोदय आए थे और आदिवासियों को किस तरह से कई संभागों से लाया गया, और वो भी बात दबी रह जाती लेकिन दुर्भाग्यवश गुड़ में एक दर्दनाक घटना हुई, उसके कारण देश और विदेश तक की मीडिया ने दिखाया। आखिर जब जरूरत होती है इन आदिवासियों को सरकारी संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण और न्यायिक संरक्षण की, तो यहाँ के जिम्मेवार जनप्रतिनिधि
जो नौटंकी करते हैं आदिवासियों के घर में खाना खाने की, जो नौटंकी करते हैं सबरी महोत्सव और बिरसा मुंडा जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके जयंती के दिन, आखिर मुद्रिका आदिवासी मुद्रिका कोल जिनकी कुल्हाड़ी से काट के हत्या की गई, वो खेत में बसे थे, नामजद आरोपी है, लेकिन उनकी जो विधवा पत्नी है, नाबालिग बच्चा है, जिनके आप सब ने लिखा भी था कि नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष घटना पे पहुंची, हम भी पहुंचे और उनकी अंत्येष्टि सहायता भी व्यक्तिगत पैसे से दी गई, मदद की गई, लेकिन आज 5 महीने बाद भी मुद्रिका आदिवासी के जो हत्यारे हैं नहीं पकड़े गए। ये जांच का विषय है कि जो आरोपी है उनके खातों से लगभग, जैसे लोग बता रहे हैं, 8-9 लाख रुपए निकले, उन्होंने कोई निर्माण नहीं किया जो आरोपी हैं, आखिर वो राशि निकली क्यों, किसको दी गई, और नई गढ़ी थाना प्रभारी के मोबाइल की भी कॉल डिटेल सार्वजनिक हो, और उस समय इस घटना में कौन कौन लोग शामिल हैं, आखिर एक उच्च स्तरीय जांच हो। कलेक्टर एसपी साहब को एक दिन और ज्ञापन दिया गया था, उन्होंने एसडीओपी त्योंथर को जांच सौंपी थी, लेकिन वो जांच कहां पहुंची, ये भी अगर मांग नहीं मानी जाती तो उनकी जो विधवा पत्नी है मुद्रिका आदिवासी जी की, वो और उनके नाबालिग बच्चे भी और आदिवासी समाज के लगभग 30 से 40 लोग भी आमरण अनशन कर रहे हैं। हमारे ये जो नई गढ़ी से देवतलाव 4 लेन बन रही है, विकास होना चाहिए, विकास के लिए सभी तत्पर हैं, पर विनाश के नाम पे विकास नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोग भी दिखाते हैं कि जो एक ठेला चलाता है, एक पान की गोमती रखा है, सब्जी लगाता है, लेकिन वो देखने का छोटा ठेला है, लेकिन उसके पीछे लगभग 20 से 25 लोगों का परिवार चलता है। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को स्वागत कि आज अपने इस व्यस्ततम समय में भी समय निकाल के आप सब नई गढ़ी के 76 पंचायत की जनता की पीड़ा और व्यथा सुनने के लिए आए हैं। समस्याएं तो हर जगह हैं, लेकिन अगर पूर्ण मनोयोग से समस्या के खिलाफ कि समस्या का निदान हो और जनता के हित के लिए प्रयास किए जाएं, और जब निदान ना हो तो आदमी कितना व्यथित होता है। ये आप सब देखिए, 4/4/23 को भी एक पत्र दिया गया, और नई गढ़ी की जो बेसिक समस्याएं हैं और वहाँ की नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष और निर्वाचित जनपद सदस्यों और सरपंचों द्वारा उस समस्या के निदान के लिए जो 9 महीने में प्रयास किए गए, उससे संबंधित, पेयजल से संबंधित, और जो अराजक कानून व्यवस्था है, राजस्व की है, किसान की है, मजदूर की है, और आदिवासी मुद्रिका जिनकी हत्या कर दी गई, उनके परिजनों को न्याय मिला नहीं मिला उससे है, जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, किसानों, सारी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया और 10 दिन का टाइम दिया गया कि इसका निदान हो। और यहाँ के प्रशासनिक स्तर से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, सब जगह इसको भेजा गया, जिसकी ये रिसीव कॉपी है। जब कोई निराकरण नहीं हुआ तो 22 सूत्री मांगों को लेकर 13/4 को हम लोगों ने आमरण अनशन का, जैसे पूर्व में कहा गया था कि 10 दिन में अगर निदान नहीं होगा तो आमरण अनशन होगा, और ये दे दिया गया है। 22 सूत्री हमारी मांगे हैं, मांग की कॉपी आपको दे दी गई है। मूल है कि विद्युत की समस्या हमारे क्षेत्र में, आप सब ने देखा होगा कि हमारी समस्याओं पर दोहन करके और लोग मेडल ले रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में राजस्व का जो संकलन हुआ है उसके लिए एमपी के जो एमडी है पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के, रीवा आए थे और यहाँ के अधिकारियों को मेडल दे गए, लेकिन ये सफलता ये मेडल ग्रामीण अंचल के गरीबों को चूस के लिया गया, क्योंकि अगर 4 महीने ट्रांसफार्मर जले थे तो बिल कैसा। आप लोग 10 आदमी अगर किसी चीज़ का भुगतान करते हैं तभी 10 का पेमेंट करते हैं, पूरे गांव का नहीं करना होता, लेकिन 10 लोगों ने बिल दिया
और 5 लोगों ने बिल नहीं दिया, पूरे गांव की लाइट काट दी जाती थी। पीली रेखा में टाटा बिरला के नाम हो, अदानी के भी नाम और रिलायंस के अनिल अंबानी के भी नाम जोड़ दिए जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पिताजी का पैसा नहीं है, लेकिन जो बेसिक और वास्तविक पात्र हैं जिनके लिए योजना बनी है उनके नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। अगर जिनके पेंडिंग है नई गढ़ी में 2 साल से, जिनको इन्होंने दे दिया है बीपीएल की पात्रता, सीधा सीधा मेरा कहना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो बेची जा रही हैं। वास्तविक जो पात्र हितग्राही है उसके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि वो पैसा दे दें और वो जो सरकार की सहायता है वो ले पाए। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि बीपीएल में जिनके नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं और जिनके जोड़े गए दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, और जिनके नहीं जोड़े गए और जिनके जोड़े गए, अगर 1 करोड़पति के नाम जोड़े गए हैं जिसके 4 ट्रैक्टर हैं, अलीशान घर है, 100 एकड़ ज़मीन है, और जिसके पास रहने तक को ज़मीन नहीं है उसके क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं, किसके कारण नहीं हो, इस पर भी कार्यवाही हो। और जब तक कार्यवाही इन मांगों पर नहीं होगी, आमरण अनशन इस बार हर वर्ग जाति वर्ग के लोग बैठेंगे। नई गढ़ी अभी आपने देखा कि ये सरकार और यहाँ के माननीय विधायक, माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सांसद महोदय और मुख्यमंत्री महोदय पीठ थपथपा रहे हैं कि तहसील बन गई है मऊगंज, और नई गढ़ी आपका अनुभाग बनने वाला है, एसडीएम कार्यालय नई गढ़ी में बनेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्ट्रक्चर क्या करेंगे, जैसे आरोग्य केंद्र आप देखिए कि कई खुले हैं, नई गढ़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, आरोग्य केंद्र में बन गए हैं, और जितनी एक जनपद में आरोग्य केंद्रों के नाम पर राशि खर्ची की गई, महात्मा जो गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हर जनपद में बनते, उसी तरह से 79 पटवारी चाहिए नई गढ़ी में, 79 और 18 पटवारी हैं। तो जब एक इन कार्यालयों में कर्मचारी ही नहीं है, अधिकारियों के पास जाइए, आप कैमरे में बात करेंगे तो नहीं बोलेंगे, सीधे बोलते हैं तहसीलदार महोदय कि तिवारी जी मैं एक बाबू की तरह काम करता हूँ, मेरे यहाँ ना स्टोनो है, न मेरे यहाँ टाइपराइटर है, न मेरे यहाँ पटवारी है, तो मैं क्या करूँ। तो 79 पटवारी अगर हल्के नियुक्त हैं, उनके 79 पद हैं, तो हमें 1,000 रुपये की इसमें लाडली बहन के चक्कर में ना उलझाया जाए। बहन हमारी लाडली कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। 79 पटवारी हल्के हैं, जितने भी पद हमारे जनपद क्षेत्र के हर कार्यालय में मंजूर हैं, चाहे थाना हो, चाहे आपका वेटनरी हो, चाहे पशु आयुर्वेद औषधालय हो, जितने भी स्वीकृत पद हैं भरे जाएं और 79 के 79 पटवारी भी दिए जाएं। आने के नाम पे घरों को उजाड़ा जा गया, किसी बगैर मापदंड के उजाड़ा गया, उनके विस्थापन की क्या योजना है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास के नाम पे आप देखते हैं कि ये बसाहट दी जा रही है, कई तरह के रीवा के रानी तालाब और आपके जो ये रतहरा के विस्थापित हैं उनको घर चाहिए, तो क्या देव तालाब से नई गढ़ी के जितने विस्थापित हैं उनके लिए वो नियम लागू नहीं होना चाहिए? शहर वाले के लिए अलग कानून और गांव के लोगों के लिए अलग कानून। एक मांग और है, और महत्वपूर्ण मांग है, और इसको ज़रूर आप प्राथमिकता से उठाइएगा कि आवासीय प्लाट गांव के बीच में कोई तालाब रहा, पोखरी रही, वहां ले जाके गरीबों को बसा दिया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के और अन्य वर्ग के जो लोग जिनके पास जमीन नहीं थी उनको बसाया गया, और वो आज भी आज़ाद नहीं है, चुनाव आता है उनके घर जमीन उस प्लाट के चारों तरफ जिनकी ज़मीन होती है, जब वो चुनाव लड़ते हैं शर्त रहती है कि इस बार हमको चुनाव जिता दो हम रोड देंगे, ये आज़ादी के बाद से निरंतर चल रहा है, और वो प्रयास करते हैं अगर जिनकी ज़मीन है जिस दर से पहले निकलते रहते हैं वो चुनाव हार गए उसी दिन वो रास्ता रोक देते हैं। सरकार एक उद्योगपति के लिए, एक सरकारी कॉलोनी के लिए, एक डेवलपर की कॉलोनी के लिए भू अधिग्रहण कानून के तहत जमीन अधिग्रहित करती है, 5 गुना राशि देके अधिग्रहण करती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हर प्लाट में लगभग 1,000-1,500 के लोग आबाद हैं, ऐसे आवासीय प्लाटों के लिए भी सरकार किसानों से, भूमि स्वामी से जमीन अधिग्रहित करके सारे आवासीय प्लाटों को रोड दे दी जाए। महुआ आप सब मीडिया के साथी रोज छापते हैं, पुलिस आती है अपने कई कारनामों को छुपाने के लिए, जो शराब माफिया हैं उनके इशारे पे, अगर मैं गेहूं रखा हूं, किसान हूं,
कीमत बढ़ने के लिए हम स्टॉक रखते हैं कि आज 1400 गेहूँ है, 1800 है, 21-22 से हो जाएगा हम बेचेंगे। प्याज की फसल आएगी 10 रुपये, हम सोचते हैं कि ये 12 रुपये हो जाएगी बेचेंगे। महुआ एक फसल है और किस तरह से एकत्रित की जाती है, आप गांव में चलिए, सुबह 4 बजे लोग जाते हैं बगैर किसी डर के, 11-12 बजे तक घुटनों के बल के बैठ के एक एक महुआ को इकट्ठा करते हैं। ये भी फसल है, आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आदिवासियों की बात करते हैं। महुआ की फसल सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग इकट्ठा करते हैं। महुआ बीच में 4000 रुपये कुंटल तक गया था, लेकिन इस वर्ष की 2 वर्षों से स्थित है कि पुलिस के डर के कारण हमारे भी 4-5 पेड़ महुआ है, एक भी आदमी महुआ की फसल इकट्ठी करने को तैयार नहीं है। बोलता है महुआ रखेंगे और पुलिस आती है मारती है कि महुआ क्यों रखे हो, और अगर किसी ने रखा है हर छठ हो, आपकी जानवर भैंसों को भी महुआ दिया जाता था, बहुत सारे लोग लहुआ लाटा भी खाते थे, औषधीय फसल है महुआ। लेकिन अब महुआ अगर किसी के यहाँ है, पुलिस पहुँचती है, 10 डंडे मारती है और मीडिया में देती है कि आज 1 कुंटल महुआ लाहन पकड़ा गया, तो महुआ को भी एक फसल माना जाए और उसको भी समर्थन मूल्य दिया जाए।